एक कपल बैठा है हमारे साथ, जिनमें से एक जो लड़का है वो तो इटली का रहने वाला है और जो लड़की है वो अमेरिका की रहने वाली है, यूएस। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। हाय बोथ ऑफ यू, हाउ आर यू? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी? और भाई ये तो ना राहुल गांधी के मामा का छोरा है, इटली का रहने वाला है, उसके मामा का छोरा है, हिंदी जानता है, हिंदी थोड़ा थोड़ा हिंदी जानता है। और मैंने पूछा इससे, जो बता रहा कर राहुल गांधी मारे वहीं का है, उसकी मम्मी है, तो ये उसके मामा का छोरा है, ठीक है ना। ये घूम रहे पर भाई पसंद इनको नरेंद्र मोदी है। नमस्कार दोस्तों, एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और इस बार हम मायाबी बीच से निकलकर आगे जा रहे हैं, और अब जा रहे हैं हम मंकी बीच, और उसके बाद जाएंगे फीफी डॉन बीच, वहां पर हमारा लंच भी होगा। और ये दोनों जो आइलैंड है दोनों हम कवर करेंगे, आप इसी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। और बहुत से लोग मिले हैं, बहुत लोगों से दोस्तियां हो गई हमारी। एक कपल बैठा है हमारे साथ, जिनमें से एक जो लड़का है वो तो इटली का रहने वाला है और जो लड़की है वो अमेरिका की रहने वाली है, यूएस। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। हाय बोथ ऑफ यू, हाउ आर यू? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी? मतलब हम यहाँ बैठे घूमने आए, यहाँ भी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के चर्चे चल गए, और इन लोगों को ही पसंद है नरेंद्र मोदी। तो भाई नजारे तो देखो शानदार है ही, वो तो मैं दिखा ही रहा हूँ आप लोगों को। और अब हम आगे, हमारी जो बोट जा रही है वो जा रही है मंकी आइलैंड, और इसके अलावा फीफी डॉन आइलैंड। ये जो फीफी बे था, फीफी बे ये वो था, और ये सामने फीफी डॉन आइलैंड है ये, और मंकी आइलैंड है। मंकी आइलैंड दरअसल इसलिए थोड़ा सा समझा दूं मैं आप लोगों को, मंकी आइलैंड में क्या है कि वहाँ पे मंकीज बहुत ज़्यादा हैं और वो देखने को मिलेंगे। और वो आइलैंड है यार, देखो ना वहाँ पे वो सरवाइव कर रहे हैं वो, मतलब मंकीज कहते हैं कि हमारे पूर्वज मंकीज थे तो सरवाइव कर रहे हैं वो, और आइलैंड पे है समुद्र के बीच में, यहाँ पे बहुत से मंकी हैं। तो अभी वीडियोज में भी दिखाएंगे वहाँ, हालांकि उतरने का तो कुछ वो नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर आपको हम आगे मछलियां भी दिखाएंगे जो कि पानी में अंदर जाके हम देख सकते हैं, उसको स्नॉर्किंग या ऐसे कुछ ये बोलते हैं, वो दिखाएंगे वीडियो में। आप आगे तक बने रहिए, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा लो, क्योंकि बहुत सारे भी लोग आने वाले हैं। और थाईलैंड आकर भाई वाकई में सोच तो बदली गई है, जुड़े रहो, ऐसे ही आगे दिखाता हूँ अब आप लोगों को मंकी बी, मंकी आइलैंड और स्नॉर्किंग, मिलते हैं आगे। और भाई ये तो ना राहुल गांधी के मामा का छोरा है, इटली का रहने वाला है, उसके मामा का छोरा है, हिंदी जानता है, हिंदी थोड़ा थोड़ा हिंदी जानता है। और मैंने पूछा इससे, जो बता रहा कर राहुल गांधी मारे वहीं का है, उसकी मम्मी है, तो ये उसके मामा का छोरा है, ठीक है ना। ये घूम रहे पर भाई पसंद इनको नरेंद्र मोदी है। ये अब मंकी बीच है आप लोगों के सामने, मंकी बीच नहीं मंकी आइलैंड है ये, और ये आइलैंड है सारा, और मंकी आइलैंड है, इस पर आप लोगों को मंकी ही देखने को मिलते हैं। लोग यहाँ बीच पे जा सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन अधिकतर जो है यहाँ पर रिस्की होता है वो। अब हम कोशिश करेंगे कि अपनी इस वीडियो में हम मंकी दिखा पाए, कि मंकी दिखे इस पे कहीं, कोशिश रहेगी हमारी मंकी दिखाने की, मंकी हम देख पाए, इसलिए इसको मंकी आइलैंड बोला जाता है। अभी तो मुझे इसमें कहीं कोई मंकी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ सामने वो मंकी लटक रहे हैं, देखो सामने उस बोट के वहाँ पे, मैं जूम करके दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, ये रहे मंकी, लोग नहा रहे हैं वैसे तो यहाँ पे, फोटोज भी खिंचा रहे हैं, लेकिन मंकी जो हैं वो, ये देखो कितने सारे चढ़ गए। मैडम मैडम नीचे थोड़ा, हाँ बैठ जाओ, या थैंक यू। ये आगे मंकीज हैं देखो, ये आप क्लियर दिखा आप लोगों को, क्लियरली आप लोगों को आप दिखेंगे, छोटे छोटे मंकी हैं। जय बजरंग बली, ये देखो बहुत है यहाँ पे, ये पहाड़ों पे इस तरह से चढ़ रहे हैं, देखो किस तरह से चल रहा है ये मंकी। ओ ना 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 ना, मंकी किंग, मंकी किंग, मंकी किंग, यस।
They're all the king over there, the big one. आज शनिवार भी है और यहाँ इतने सारे बंदर एक साथ हमें देखने को मिले हैं। इसको मंकी आइलैंड बोला जाता है। तो नीचे आते हैं ये बेचारे कुछ खाने के लिए कि कोई कुछ देगा, लेकिन यहाँ पर हम कहीं कुछ लाए नहीं, पता नहीं था शुरू में कि यहाँ ला भी सकते हैं नहीं। तो स्पीड बोट से तो ये जो आपकी लॉन्ग बोट है, इन लॉन्ग बोट से यहाँ आते हो तो आप नीचे उतर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप लोगों को ये लोग यहाँ पर दिख जाएंगे बाहर नहाते हुए, स्विमिंग करते हुए, फोटोग्राफी कराते हो, क्योंकि ये लॉन्ग बोट से आए हैं, वो नज़दीक जा सकती है लॉन्ग बोट, और इसलिए ये लोग उतर सकते हैं। लेकिन जो हमारी बोट है स्पीड बोट, इस बोट को ज़्यादा नज़दीक नहीं जाते, इसलिए यहाँ से नीचे उतारते भी नहीं है। और यहाँ पर केवल जो मंकीज हैं उनको आप देख सकते हैं, बोल रहे हैं अभी। तो एक बार फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी सी होने लगी है। देखो किस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो बन गया है यहाँ पर, जो हाई टाइड्स आती है ना उसकी वजह से, जब पानी की धार इन पत्थरों पर पड़ती है तो इन पत्थरों को भी काट देती है वो धार, इतना जबरदस्त पानी। देखो वैसा साफ है पूरा, नीचे तक आपको साफ दिखाई देगा बिल्कुल। और छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पे चल रही हैं, रंग बिरंगी सी ये जा रही हैं यहाँ पे। थोड़ा जूम करके देखूँगा, ये देखो दिख रही है मछलियाँ, ये रही ये रही। तो इस तरह की मछलियाँ, ये रही देखो दिखाई, येलो कलर की, इस तरह की छोटी छोटी फिश हैं यहाँ पर, कलरफुल्स। इसी तरह की स्नॉर्किंग हम करेंगे अभी चल के, और स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाई रहा हूँ। तो कैमरे पे अब थोड़ा मेरा इस पर पानी पड़ने लगा है। अब अगला आइलैंड चलेंगे हम, फीफी डॉन आइलैंड। फीफी डॉन आइलैंड में जाएंगे और वहाँ हम देखेंगे कि कैसा है देखने में वो आइलैंड। बारिश यहाँ पर पड़ने लगी है, बूंदाबांदी हो रही है। बारिश तो क्या है, बूंदाबांदी सी फुहार हो रही है, क्योंकि यहीं से समुद्र से पानी उठता है और समुद्र में ही पानी वापस गिर जाता है। तो शानदार व्यूज तो है ही। कैसी आप लोगों को वीडियोस लग रही हैं वो भी आप बताते रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को। और अब आगे चलते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आगे स्नॉर्किंग भी करेंगे, थोड़ा मछलियां आप लोगों को दिखाएंगे। इसके अलावा फीफी डॉन जो आइलैंड है वो भी आप लोगों को हम दिखाएंगे, उसका भी आपको टूर करवाएंगे। उसके अलावा यहाँ आपने देखा कि कितना अच्छा वातावरण है, पानी है साफ, देखने से जो वसूली है वो पूरी हो रही है। चलो आगे चलते हैं, फीफी डॉन आइलैंड जो बताया गया वहाँ चलते हैं और वहाँ भी वो भी देखते हैं कैसा है वहाँ पे माहौल, ठीक है। तो ये स्नॉकलिंग करने के लिए फीफी डॉन आइलैंड पे आ गए हैं। देखो मछलियाँ यहीं से आप लोगों को दिख रही होंगी, साफ पानी है। ये कितनी सारी मछलियाँ हैं, छोटी छोटी, जैसे गंबूजिया, गंबूजिया मछली होती है ना, गंबूजिया होती है ना, गंबूजिया टाइप, तो उसी तरह की मछलियाँ हैं बहुत सारी। और इसको स्नॉकलिंग बोलते, देखो जैसे ये लोग कर रहे हैं ना कि नीचे आंखें डाल के और तब इनको देखते हैं, अलग अलग तरह की मछलियाँ ये खाती नहीं हैं और अंदर का आप शूट कर सकते हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना मोबाइल ले जाके आप लोगों को शूट करके दिखाऊँ यहाँ का सीन कि मछलियाँ अंदर से कैसी दिखती हैं। लोग आपको बहुत मिलेंगे यहाँ पे जो कि स्नॉकलिंग कर रहे हैं। ये फीफी डॉन आइलैंड है, स्नॉकलिंग करते हुए आप लोगों को देख रहे हो। और कुछ देर में कोशिश मेरी है, अगर मैं गया तो आप मुझे भी देख पाएंगे। ये एक बार तो नहा लिए, दोबारा फिर डुबकी लगा देते हैं, क्या जा रहा है, मछलियां देख के आते हैं और मोबाइल को पानी में डुबकी लगाते हैं, ठीक है। चलें स्नॉकलिंग दिखाते हैं आपको। We'll be right back.
अब आप लोगों को हम दिखाते हैं स्नॉर्कलिंग के बाद जो वीडियोस देखी आपने मोबाइल से बनाई अंडर वाटर जाकर, तो उसमें बीच बीच में मोबाइल जो है वो जूम हो गया, तो उसकी वजह से वीडियो जैसी तैसी आई, जो मछलियां दिखी वो दिखी। ये अब आप लोगों के सामने है फीफी डॉन आइलैंड। ये डॉन आइलैंड है और यहाँ पर आपको होटल्स भी मिल जाएंगे, अकोमोडेशन के लिए मिल जाएंगे, खाने के लिए भी मिल जाएंगे। एक तरह से ये कहें कि सिटी टाइप यहाँ पर पूरे आइलैंड पर है, कि एक सिटी इस आइलैंड पर बसी हुई है। क्रूज यहाँ पर है ताकि क्रूज से लोग सफ़र कर पाएँ। ये बड़ी नाव आप देख लीजिए, हम जो है वो स्पीड बोट में हैं। तो अलग अलग तरह का यहाँ पर चीज़ें हैं टूरिस्ट के लिए, घूमने के लिए। और यहाँ पर अब हमें लंच भी दिया जाएगा, यहाँ लंच होगा और नाइट लाइफ भी यहाँ आप कह सकते हैं कि अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी होटल्स भी हैं, बार हैं, रहने के लिए चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। और आइलैंड है समुद्र के बीच में, एक फीफी डॉन आइलैंड। ये इतनी बोट्स आपको खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, इधर इसका बीच हो गया ये, यहाँ भी होटल्स आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा भाई पैसा होता आदमी कुछ भी कर सके। ये बोट्स भी आप लोगों को दिख रही हैं, तो लोग कितने आए हुए हैं यहाँ घूमने के लिए, लोग आते हैं खूब। और आइलैंड ये फीफी डॉन आइलैंड है। आज का ये हमारा फाइनल जो ये कहें कि डेस्टिनेशन है आज का, तो अब यहाँ से हम जाएंगे कराबी। कल फिर हम कराबी में रुकेंगे, मतलब नाइट आज स्टे वहीं कराबी में करेंगे, और कराबी से फिर हम कल वहाँ के जो आसपास के आइलैंड हैं वो भी हम देखेंगे, और वहाँ पर किस तरह का माहौल है और वहाँ के आइलैंड कैसे हैं वो हम कल देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों ने ये देखा कि कई आइलैंड हमने आज कवर किए एक दिन में, कई बीचेस कवर किए वो हमने आप लोगों को दिखाए। और थोड़ी सी अब यहाँ उतरने के बाद थोड़ा सा माहौल यहाँ का दिखा देता हूँ आपको, फीफी डॉन आइलैंड का। उसके बाद ये वीडियो को समाप्त करेंगे। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लीजिए, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ। और नोटिफिकेशन भी आप दबा लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा जो वीडियोज़ में डालूँगा वो तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और फीफी डॉन आइलैंड फुकेट के लिए एक अच्छा आइलैंड, एक जेम्स बॉन्ड आइलैंड भी है, लेकिन वो थोड़ा अपोजिट में पड़ता है। फीफी यहाँ पे है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में है, उसके लिए अलग से दिन स्पेयर करना पड़ेगा। लेकिन हमने जो बुकिंग्स कराई थी वो उस हिसाब से नहीं है कि हम जेम्स बॉन्ड आइलैंड यहाँ पर जा पाएंगे, तो इसीलिए केवल ये फीफी डॉन आइलैंड तक तीन आइलैंड हमने आज कवर किए। ये वो आइलैंड है और नीचे चल के थोड़ा सा दिखाता हूँ और फिर वीडियो को एंड करता हूँ। भाई वेजिटेरियन फूड के लिए बड़ी मारा मारी है, देखो यहाँ पे वेजिटेरियन के लिए लगा तो दिया है, लेकिन है क्या का वो दिखाता हूँ आपको। थोड़े से चावल हैं, ये नूडल्स हैं, नूडल्स दिए हुए हैं, चटनी दी हुई है, मिक्स वेज है, एक ये पनीर की है, पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा, एक ये मिक्स टाइप है, एक ये आलू की है, और भाई ये प्याज रख दिए हैं। ये खा लो, रोटी इनके पास है नहीं वेजिटेरियन में, नॉन वेज में इन्होंने टांगे रख दी इतनी सारी, लेकिन वेजिटेरियन आदमियों का भाई सोचते ही नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग मतलब फूड का इस्तेमाल पहले से करके चलो ज़्यादा बढ़िया है। ये सारा नॉन वेज है, इधर नॉन वेज लेके तो ये लोग बैठे हैं यार, इतना सारा गजबे ही हुई है। चलो देखते हैं खाते हैं कैसा लगता है। तो ये फीफी डॉन आइलैंड है और यहाँ के कुछ नज़ारे ऐसे हैं। अब यहाँ से लंच करके हम निकल रहे हैं, लंच मैंने आपको दिखाया यार कितना गंदा था, मतलब वेजिटेरियन वालों के लिए तो कुछ नहीं है। तो भाई आप अगर नॉन वेज हो तो आपके लिए टंगड़ी कबाब, चिकन, ये वो बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वेजिटेरियन वालों के लिए चावल दिखा लिया और वो सब्जी पता ना कौन सी रख रखी थी, समझ में ना आया। तो भाई ये आइलैंड है, यहाँ पे जो मैंने पहले बताया कि फॉरनर्स ज़्यादा हैं यहाँ पर, देखो खूब भीड़ आप लोगों को नज़र आ रही है, सारे लगभग फॉरनर्स हैं, मुझे इंडियन कोई इक्के दुक्के नज़र आ रहे हैं। तो क्राउड आप ये कहें कि अच्छा क्राउड तो आता है फुकट में। और ये फीफी डॉन आइलैंड है, यहाँ की वीडियोस मैं दिखा रहा हूँ और बहुत कम लोग आते हैं अपने भारत से यहाँ, तो भाई ये वीडियो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है ना कि शेयर करना इसे, और शेयर करोगे तो फिर ज़्यादा लोग देखेंगे। अपने देश में भी हैं पहाड़ भी हैं और इस तरह से बीचेस भी हैं, लेकिन गोवा में शायद इस तरह से
उनको डेवलप नहीं किया गया है कि टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए और पूरे दुनिया से लोग आएं और फिर हमारे देश में भी रेवेन्यू आए और लोग घूमने फिरने आए। तो ये फीफी जॉन आइलैंड, यहीं से अलविदा लेते हैं। अब यहाँ से हम अलविदा लेकर जाएंगे कराबी। कराबी की हमें अगली बोट पकड़नी है और वहाँ भी कुछ आइलैंड्स हैं, वो आइलैंड्स देखेंगे। और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और भैया वीडियोस कैसी लगी हैं कमेंट्स तो ज़रूर करके बताइएगा ही, साथ ही वीडियोस को शेयर भी करते रहिए। ठीक है भाई, ख्याल रखना। इन वीडियोस के साथ आज का ये व्लॉग समाप्त करते हैं। और भी अभी टूर बचा है हमारा, वीडियोस और आएंगी अभी आइलैंड की। ठीक है, बाय।